हाय, मैं हूँ श्वेता जुमानी और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4, 5 और 6 नंबर के लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हमारे बर्थडे में ये सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आज मैं आपको बोलूँ आपका बर्थडे ये है तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जो लोग 4, 13, 22 या 31 को पैदा होते हैं या जो लोग एक्वेरियन होते हैं, उनको रूल करता है यूरानस। अब यूरानस डायरेक्टली रूल करता है आपके लंग सिस्टम पे, सो आपका हो गया निमोनिया, ब्रेथलेसनेस एंड स्टमक के नीचे की पूरी एरिया। सो अगर तकलीफ होगी, फुट में होगी, स्पाइनल में, कॉर्ड में होगी, टेल बोन में होगी, गायनेक प्रॉब्लम लेडीज को, स्पेशली नंबर 4 की लेडीज एंड 8, इन लोगों को सबसे पहले तो कंसीव करने में टाइम लगता है। और अगर ये बात नहीं है तो कोई ना कोई और गायनेक प्रॉब्लम 4 नंबर की लेडीज को हमेशा होते हैं। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज हैंडल करना ऑन अ मंथली बेसिस। सो ऐसे लेडीज को पहनना चाहिए मोती। मोती इज अ स्टोन जो आपके गायनेक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकता है। 4 नंबर के लोगों को खास ध्यान देना है। कोई भी बीमारी डायग्नोस हो गई है उसको 2 या 3 डॉक्टरों से भी रीचेक कराइए, क्योंकि कई बार नंबर 4 के लोग गलत इंफॉर्मेशन के वजह से सफर करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि डॉक्टर कुछ भी बोले, 2-3 लोगों को पहले चेक करवाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है जिद्दीपन। जब हम बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं तो हमारे बोन्स भी ऐसे अकड़ जाते हैं, तो आप इसीलिए ज्यादा करके आप देखोगे या तो कभी नेक दुखता है या आपका लोअर बैक दुखता है, क्योंकि सब स्ट्रेस हम लोग कलेक्ट करते हैं इधर। सो बी लिटिल स्ट्रेस फ्री, आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू डू इट। यूरानस के लोगों को पहनना चाहिए कोमेद, जो बहुत महंगा नहीं है, 2-3 हज़ार में मिल जाना चाहिए, लेकिन आपके हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से स्टोन्स होते हैं। नंबर 5 के लोग वो होते हैं जो 5, 14 या 23 को पैदा होते हैं किसी भी मंथ के, या जो वर्गो होते हैं एंड जेमिनी होते हैं। इन लोगों को रूल करता है प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने स्कूल में देखा होगा, सिल्वरी, स्लिपरी एंड बहुत अजीब सा, एक जगह रुकता नहीं है, मूवमेंट बेस्ड होता है। इसको 1000 टुकड़े कर दो फिर एक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दरार थी। तो ये ऐसे होते हैं नंबर 5 के लोग। ये लोग बहुत माइंड उनका वेवरी होता है, लेकिन कोई भी बीमारी हो, कोई भी स्ट्रेस हो, इसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। दे हैव टू कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। इनका मेन प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, क्योंकि दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, बिल्कुल फोकस नहीं है। नंबर 5 के पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते हैं 1 मिनट बैठता नहीं है, और जो हमने लेटर उनका बनाया रहता है उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस ये है, यू कैनॉट फोकस ऑन अ सर्टेन थिंग। फोकस सीख जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो वेवरी होने के वजह से, स्ट्रेस्ड होने के, नर्वस सिस्टम अगर आपका खराब है तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। सो ओवरथिंकिंग, स्लीपलेसनेस, ये नंबर 5 के लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि माइंड इनका बहुत रैपिडली मूव करता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। ओवर एंजाइटी मत रखो, एंग्शियसनेस जो आपको है उसके लिए, अगर हाँ नंबर 5 के लोग, अगर आपको भी कभी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़े तो जरूर जाके मिलना। मैं खुद एक साइकेट्रिक गोली लेती हूँ आदि, इनफैक्ट अभी डॉक्टर ने आदि कर दिया है। सो डिप्रेशन हो, कोई और भी बीमारी हो, इट इज वेरी कॉमन। अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए गोली लेते हो, सरदर्द के लिए लेते हो, तो आपको डिप्रेशन के लिए भी लेनी चाहिए। तो नंबर 5 के लोगों को डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, थोड़ा भी प्रेशर वो लोग ले नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो कीप योरसेल्फ काम एंड क्वाइट, इफ रिक्वायर्ड ईट दैट मेडिसिन एंड कैट्साई इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी जिनको थोड़ा बहुत भी अगर डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज इनकी होती है थ्रोट, नेक, शोल्डर्स, लंग्स, सब ब्रीदिंग ऑर्गेन्स इनके खराब हो सकते हैं। नाक, कान, ऑल द ENT एंड देयर चेस्ट, चेस्ट इन्फेक्शन इनको जल्दी होते हैं, अस्थमा हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंटली होता है इनको स्किन एलर्जीज। पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजों की एलर्जीज नंबर 5 को होती हैं। सो दे हैव टू बी केयरफुल, जो चीज उनको सूट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ जेमिनी, सो आई एम अ नंबर 5 और मुझे मशरूम्स बिल्कुल नहीं चलते हैं, मशरूम्स खाते ही गड़बड़ हो जाती है, सो आई अवॉइड देम। सेम थिंग, अगर आपको एक बार पता चल गया कौन से खाने आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है, आपको सिर्फ वो बहुत केयरफुली उसको अवॉइड करना है।
बस यही मेन प्रॉब्लम होता है, स्टमक, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी. सो ऑल दीज राइट फ्रॉम योर नेक टू योर वेस्ट, ये एरिया आपका ज्यादा वीक होता है. सो टेक केयर ऑफ इट, ईट द राइट फूड, स्लीप. आपके लिए सोना बहुत जरूरी है, आपको नींद ठीक से आती नहीं है. ट्राई ऑल द रेमेडीज, मालिश हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, जो भी रेमेडीज से आप सो सकते हैं. आजकल YouTube पे म्यूजिक बजती है, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, वो करके ही आपको नींद आएगी. सो डू दैट. और वैसे आपका स्टोन होता है एमरल्ड, एमरल्ड भी सब नंबर 5 मर्क्यूरी एंड वर्गो को पहनना चाहिए. इट काम्स देयर नर्व्स. 6, 15 या 24 को अगर आप पैदा हुए हैं, या अगर आप टॉरन हैं या लिब्रा, तो आपको रूल करता है वीनस. वीनस यानी शुक्र. वैसे तो ये प्लैनेट हर चीज में अच्छा है, लेकिन हेल्थ में गड़बड़ करता है. सबसे पहले चीज आपके लिए लिखी गई है, लैविश लाइफस्टाइल की वजह से डिजीजेस. सिर्फ बर्गर पिज्जा पे जिंदा है ना आप लोग, मुझे पता है. और मैं आपकी मम्मी होती तो भी कुछ नहीं कर पाती. मेरे घर में दो दो लड़कियां हैं जो नंबर 6 को पैदा हुई हैं, और बहुत अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गई हैं, थैंक्स टू माय सन इन लॉ सिद्धार्थ, क्योंकि हमारे घर में ही फिटनेस एक्सपर्ट है, तो फिर हम लोग सब थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहते हैं. नाउ दे हैव कम टू देयर सेंसेस. अदरवाइज ये दोनों लड़कियां वैष्णवी एंड श्रिया सिर्फ पिज्जा एंड बर्गर पे जिंदा रहती हैं. और वैष्णवी तो बचपन से थम्स अप बहुत पीती थी, अभी कंट्रोल हो गई है. किडनी होती है, इरिटेशन होता है आप लोगों को, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, एंड 90% मैंने नंबर 6 के लोगों में आर्थराइटिस देखा है. एटलीस्ट जो लोग मेरे लाइफ में आए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो जो हम लोग आपको बोलते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी भी करते हैं, मोस्टली इनको कहीं ना कहीं बॉडी पेन होता ही है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे ग्रो ओल्डर इट कन्वर्ट्स इनटू आर्थराइटिस. इनको भी बहुत इजीली डिप्रेशन पकड़ लेता है, बिकॉज नंबर 6 वांट एवरीथिंग लैविश, बहुत पैसे वाला बनना है, अमीर जिंदगी इनको जीनी है. सो वो स्ट्रेस ना पैसा 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 थोड़ा ज्यादा करते हो. चिल, आप नंबर 6 हो, हम लोग ही 24 लिख के हम लोग पप्पू पास हो जाता है, आप तो 6 ही हो, आपको सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा. सो वरी लेस, स्लीप मोर, ईट द राइट फूड एंड एक्सरसाइज. इन शॉर्ट, नंबर 6 के लोगों को वाइनिंग एंड डाइनिंग कम करनी चाहिए. बहुत लविंग होते हो, लव की हमेशा तलाश में रहते हो, और उस वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगे ही. कई बार आपके हार्ट टूटे हैं, आपने कईयों के हार्ट तोड़े हैं, लेकिन स्ट्रेस ऑफ मनी, गुड रिलेशनशिप्स, गुड कैलिबर लोगों के सामने, आप लोगों को अच्छा दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है, रिच दिखना है, उन सब की वजह से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. एक्चुअली प्रॉब्लम्स है नहीं. आपका स्टोन होता है डायमंड. डायमंड सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहन सकते हो, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ओपन है. अगेन 2-3 हजार का स्टोन है, ये भी आप पहन सकते हो. आई ऑलवेज से दिस कि हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम अवर माइंड. तो फर्स्ट थिंग हमें सबको करना है, जरा माइंड को रीसेट करना है. जैसे आजकल हम लोग धरती माता को रीसेट कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको दिखा ना कितना फर्क पड़ गया है लॉकडाउन में. ना सिर्फ बर्ड्स एंड एनिमल्स आउटसाइड, हम लोग के अंदर कितने चेंजेस आए हैं. और अगर आप में चेंजेस नहीं आए हैं तो फिर कभी नहीं आएंगे. सो एक चीज अगर हम लोग ये कोरोना से, लॉकडाउन से ले जा सकें, तो वो है कि जो आज हम लोग गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, डेली वेजेस को कुछ मिला कि नहीं, कितने लोग कोरोना से मर गए, ये सब जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये हमें लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए, और जितना हो सके लोगों को खिलाना चाहिए. ये लॉकडाउन में आपने भी रियलाइज किया ना, अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिल रही है, तो आपका दिन कैसे वो छोले भटूरे और पिज्जा और पैटिस के लिए तड़प रहा है. अब सोचिए कितने गरीब लोग तो सिर्फ 2 रोटी के लिए तरसते हैं. सो प्लीज टेक दिस डाउन, जितना हो सके लोगों को खाना खिलाइए, बिकॉज दैट इज द बेसिक थिंग. आफ्टर दिस गेट्स ओवर, मेक श्योर हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द गुड फूड ऑफ द पुअर. अब बचे नंबर्स 7, 8 एंड 9, इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे फेसबुक, लिंक्डइन,
ट्विटर हर जगह फॉलो भी कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग फॉर मोर वीडियोज एंड मोर नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी।